मैं एक प्रोजेक्ट में काम करती थी और हम लोग काम कर रहे थे एक बहुत बड़े टेलीकॉम यूनिट के साथ और उन लोगों के जो सेंटर्स थे वो यूरोप में हर एक हर एक कंट्री में थे छोटी से छोटी कंट्री में हंगरी फॉर एग्जांपल और इंडिया में उनकी लाइंस पिछी हुई थी सी के अंदर सो so दैट आप बड़ी मोटी लाइंस उनको कनेक्टिविटी फॉर डेटा एंड फॉर यू नो वॉइस बहुत बड़े बड़े फाइबर ऑप्टिक्स केबल ताकि हम लोग बात कर पाए तो अभी क्या होता है कि इंडिया में कोई और कंपनी काम कर रही है यू uh, नो you know, इंडिया में कौन कौन सी कंपनी से हैं एयरटेल वोडाफोन और uh, यूरोप में लट से हम लोग बात करते हैं ये बॉस्टन की वहाँ पे ए टी काम करते हैं पर एक कस्टमर है लेट्स से सैमसंग या टेक महिंद्रा या एनी अदर कंपनी तो उन्हें एक लाइन चाहिए वीपीएन कनेक्शन इंडिया से लेके बॉस्टन तक का अभी क्या हुआ इसमें बहुत सारे प्लेयर आ गए बीच में ए टी आ गया क्योंकि वहाँ पे लोकल उन लोगों का फाइबर ऑप्टिक्स है फिर सी लिंक चाहिए और फिर इंडिया में भी चाहिए अब ये तीन कंपनीज़ जो अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं वो कस्टमर को तो एक ही बिल चाहिए राइट कस्टमर को तीन बिल नहीं चाहिए तो आप कैसे प्रोड्यूस करोगे कस्टमर को एक बिल सो so, ये प्रोजेक्ट था हमारा और उसके लिए क्या हुआ कि जहाँ uh, जहाँ मेरी कस्टमर कंपनी काम करती थी हमें उधर के सारे बिल्स रिकॉर्ड एक फॉर्मेट में चाहिए कस्टमर डेटा एक फॉर्मेट में चाहिए रिकनसिलेशन होगा और फिर एक बिल जनरेट होगा पर इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी हर एक कंट्री का अपना एक अलग प्रोसेस था कुछ कंट्री तो डेटा बेस में स्टोर करती थी कुछ एक्सेल में कुछ कुछ कंट्रीज़ के पास सॉफ्टवेयर था और कुछ सिर्फ पेपर में लिखती थी वेरी स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज़ वो सिर्फ पेपर में यूसेज लिख रहे हैं अभी कैसे काम चलेगा कि अगर हमें एक ही बिल देना है और ऑटोमेट करना है पूरा प्रोसेस डिजिटाइज करना है पूरा प्रोसेस तो कैसे करेंगे तो ज़रूरत पड़ती है अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट में कि बिज़नेस एनालिस्ट या प्रोसेस एनालिस्ट जाए और कस्टमर से बात करें और फिर वापस आके वो रिक्वायरमेंट्स या एज इज़ प्रोसेस लिखे और उसके बाद में हम लोग चेंज करें प्रोसेस को जैसे भी ज़रूरत है तो बिजनेस uh, एनालिस्ट का जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट है वो जाता है और सो uh, जनरली so मेरी टीम के अंदर वी वुड हैव बी प्रोसेस एनालिस्ट सो बी ए प्रोसेस जनरली दे आर इंटरचें चेंजेबल दोनों एक दूसरे का काम जनरली कर सकते हैं नॉट नेसिससारि पर जनरली टेस्टर्स होने चाहिए डेवलपर्स होने चाहिए कोई तो सीनियर बंदा जैसे आर्किटेक्ट होना चाहिए डेटा um, बेस के भी बंदे होने चाहिए और प्रोसेस um, को अगर ऑटोमेट करना है अगर मैनुअल है तो डेटा एंट्री के भी बंदे हम लोगों को चाहिए बीपीओ तो ये सब काम करने के लिए अलग अलग स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग टीम एक साथ आते हैं। सो बिजनेस एनालिस्ट जनरली फोकस करता है कस्टमर की तरफ एंड देन वो जाके रिक्वायरमेंट्स लेता है डॉक्यूमेंट करता है साइन um, ऑफ के लिए हो सकता है डेवलपर की टीम भी आए डिस्कस करे बी के साथ और साइन ऑफ हुए रिक्वायरमेंट्स और फिर डेवलपमेंट टीम सोचना शुरू करेगी आर्किटेक्चर बनाएगी और डेवलप करेगी फिर टेस्टिंग होगा एंड सो ऑन सो दिस इज़ अ टिपिकल फ्लो फॉर अ बिग सॉफ्टवेयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इसको हम आइट्रेटिवली भी कर सकते हैं और इसको हम एजाइल जहाँ जहाँ एप्लीकेबल हो कर सकते हैं सो so, हाइब्रिड भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग बात करेंगे कि जनरली एक प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले हमें चाहिए कि क्यों शुरू किया ये प्रोजेक्ट बिजनेस नीड्स क्या है कौन करेगा ये काम बिजनेस एनालिस्ट या उसको प्रायोरिटाइज कराएंगे हम लोग कि बिजनेस नीड्स आपकी पहली क्या है दूसरी क्या सो ऑन सो प्रायोरटाइजेशन टेक अ रोल या बी एंड अ सीनियर पर्सन तो आप एज अ यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कैन ऑल्सो लीड इट डॉक्यूमेंट करेगा कौन करेगा बी ए डॉक्यूमेंट करेगा उसके पास स्किल्स होते हैं डॉक्यूमेंट करने के ऑर्गेनाइजेशन टेम्पलेट्स देती है कि आप इस टेम्पलेट में डॉक्यूमेंट करिए और ट्रेसिबिलिटी हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे कि हम लोगों ने ये 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 रिक्वायरमेंट ली थी एट द इनिशियल स्टेप और बाद में वो रिक्वायरमेंट डिज़ाइन हुई कि नहीं हुई टेस्ट हुई कि नहीं हुई डिलीवर हुई कि नहीं हुई सो ट्रेसिबिलिटी डॉक्यूमेंट इज़ अ लाइव डॉक्यूमेंट वो हमेशा लाइव डॉक्यूमेंट का मतलब वो हमेशा अपडेट होएगा जब भी हम जिस भी फेज में होंगे जो भी काम कर रहे होंगे हम उसको कहेंगे हाँ ये रिक्वायरमेंट डिलीवर हो गई या डन हो गई एंड सो ऑन सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी गैदर रिक्वायरमेंट तो हम एक प्लान बना सकते एक छोटा सा प्लान या थोड़ा बड़ा प्लान जनरली uh, इस प्लान में क्या होगा कि हम रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करेंगे क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे और रिक्वायरमेंट को प्रायरटाइज कैसे करेंगे उसके लिए क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे सो दीज आर दी टेक्निक्स हम पहले से ही अपनी टीम के साथ एस्टेब्लिश कर लेंगे डॉक्यूमेंट कर देंगे uh, बड़ा डॉक्यूमेंट हो सकता है छोटा इट कुड बी एज सिंपल एज़ कि हम सिर्फ डिस्कशन कर लेंगे अच्छा प्रायरटाइजेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे हम सारे रिक्वायरमेंट को हम यूज़ केसेस बनाएंगे क्या उसका टेम्पलेट क्या है तो ये सब चीज़ें हम लोग लिख लेंगे सो दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज सब लोग uh, आपस में कोई डाउट्स uh, ना रहे सो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट वी वुड एग्री कि वॉट इज़ अ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट द कंडीशन केपेबिलिटीज विच वी नीड टू डिलीवर एज अ प्रोजेक्ट टीम जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है कस्टमर को क्या चाहिए और हम लोगों ने उसे साइन ऑफ किया कि हाँ हम डिलीवर करेंगे डिफरेंट टाइप के रिक्वायरमेंट है सो देर आर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ये बिज़नेस रिक्वायरमेंट इज़ लाइक यू नो बिग हाइपोथेटिकल रिक्वायरमेंट सो बिजनेस रिक्वायरमेंट इज लाइक वी वांट टू गो लाइव विथ सिक्स जी एंड देन वी वुड बी कवरिंग फ्यू स्टेट इन इंडिया हम लोग सिक्स जी लाइव करेंगे इन नेक्स्ट टू ईयर्स और ये वाली स्टेट हम कवर करेंगे अभी उस स्टेट के अंदर क्या कॉम्फिडेंस है पहले से कुछ तला हुआ है उसका अपग्रेड करना है या नहीं करना वो सारी चीज़ें नहीं है बिजनेस रिक्वायरमेंट इज़ समबडी सीनियर बहुत सीनियर बंदे ने कहा सी ऑफ द कंपनी सेट सी ऑफ एयरटेल उसने बोला कि हम सिक्स जी अब रोल आउट करेंगे या हम फाइव जी रोल आउट करेंगे जो भी स्टेट में नहीं किया है सो बिजनेस रिक्वायरमेंट हाई लेवल स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट इज जब आप किसी कस्टमर के साथ बैठते हो हाई नॉट हाई लेवल रिक्वायरमेंट कस्टमर के साथ बैठते हो वो बोलता है मेरा पेन पॉइंट ये है मैं मुझे डैशबोर्ड पे ये फील्ड चाहिए तो आई नीड अ रिपोर्ट मुझे ये रिपोर्ट चाहिए या फील्ड चाहिए तो हर एक स्टेक होल्डर जिससे भी आप बात करोगे उसने अगर कोई रिक्वायरमेंट बताई है तो आप वो डॉक्यूमेंट करोगे सॉल्यूशन कैन ऑल्सो हैव रिक्वायरमेंट सोल्यूशन मीनिंग जब आप एक सोल्यूशन दोगे ना आप यू वुड डिज़ाइन समथिंग फॉर इधर आप डिज़ाइन करोगे वेबसाइट और आप डिज़ाइन करोगे एक स्कूटर आप डिज़ाइन करोगे इलेक्ट्रिकल स्कूटर आप डिज़ाइन करोगे रॉबर्ट सो फंक्शनल आस्पेक्ट्स होंगे और उसके कुछ नॉन फंक्शनल आस्पेक्ट होंगे फंक्शनल आस्पेक्ट क्या है लेट मी या सो फंक्शनल आस्पेक्ट इज कि उसमें क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए रोबोट रोबोट अगर हम बना रहे हैं तो उस रोबोट वॉकेबल होना चाहिए उसकी लेग्स होनी चाहिए जिससे वॉक कर पाए कुछ रॉबर्ट बोलेंगे कि नहीं नहीं इट शुड बी एबल टू फ्लाई ड्रोन होना चाहिए ओके okay? सो so, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसमें कैमरा होना चाहिए इतने स्पेसिफिकेशन का फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो आपको बताई गई है उसके अंदर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन uh, पेज होना चाहिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्कूटर जो होना चाहिए उसके अंदर uh, एक स्पेस होना चाहिए यू चार्जिंग का तो अगेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसकी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए बट कुछ चीज़ें दोज आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आप जब उसे डिज़ाइन करते हो उसके अंदर नहीं होता बट देट शुड बी इनबिल्ट फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट शुड लोड विद इन थ्री सेकेंड्स अब उसमें कोई कैपेबिलिटी आपको डिलीवर नहीं करनी पर आपको वो उस जगह पे होस्ट करना है और उस तरीके से होस्ट करना है कि आम, आप का लोड टाइम तीन सेकेंड हो um, जो स्कूटर है इट शुड बी एबल टू रन फिफ्टी माइल्स इन वन चार्ज ये आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है आप डिज़ाइन नहीं कर रहे स्कूटर को वैसे पर आप कैपेबिलिटी डिज़ाइन कर रहे हो सो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कैन हैव सम कॉन्सट्रेंट कॉन्स्ट्रेंट फुट बी लाइक यू नो ये प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए दिवाली तक क्योंकि हम लॉन्च करने वाले हैं दिवाली पे सो um, कॉन्स्ट्रेंट्स so आ गए कॉन्स्टेंट वॉट इज अ कॉन्सटेंट डेट कॉन्स्टेंट और टाइम कॉन्सटेंट टाइम कॉन्सटेंट क्या हुआ इसको तब तक कर लेना है इसको दिवाली तक फिनिश करना है ये टाइम कॉन्सटेंट हुआ अभी आप मुझे बताओगे कि मैं जो बोल रही हूँ वो कौन सा कॉन्सटेंट है इस काम को करने के लिए बीस हज़ार से ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं होने चाहिए तो ये कौन सा कॉन्स्टेंट हुआ कॉस्ट कॉन्सटेंट क्योंकि आप बोल रहे हो बीस हज़ार से ज़्यादा नहीं सो कॉस्ट इज़ आ कॉन्सटेंट हम इससे ज़्यादा ख़र्चा नहीं कर सकते फिर ये काम को करने के लिए आप पाँच लोगों से ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर सकते तो कौन सा कॉन्स्टेंट हुआ रिसोर्स कॉन्सटेंट ओके okay? सो so, आपके पास कई बार बहुत सारे कॉन्सटेंट होते हैं आपके कस्टमर के भी कॉन्सटेंट हो सकते हैं स्पेसिफिकली बहुत बार टाइम इज़ अ कॉन्सटेंट कॉस्ट इज़ ऑल्सो अ कॉन्सटेंट रिसोर्स में भी अ कॉन्सटेंट सो so, बहुत सारे कॉन्सटेंट हैं जब आप प्लान करोगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा ये दिमाग में रखना पड़ेगा और ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट वॉट इज़ ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट जब हम इसको नए सिस्टम को लाइव करेंगे तो पुराने सिस्टम से अपलोड करना है डेटा क्या फॉर्मैट में है और कितने टाइम तक ट्रांजक्शन हो जाना चाहिए ये सब ट्रांजशन के रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि अगर पुराना सिस्टम है तो मैनुअल है तब भी ट्रांजिशन टाइम कितना लगेगा मैनुअल टू ऑटोमेटेड चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होगा ट्रेनिंग्स क्या होगी एट्सेट्रा एट्सेट्रा सो हाउ डू वी कलेक्ट द रिक्वायरमेंट सो लेट्स अंडरस्टैंड कि रिक्वायरमेंट को लिया गया जाता है हम कैसे जानेंगे कि अरे आपको क्या चाहिए कस्टमर से हम लोग कस्टमर बहुत बार जब भी वो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट देता है परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन को तो उसमें ऐसा पीस लि, उसमें लिखता है एस ओ डब्ल्यू वॉट इज़ एस ओ डब्ल्यू स्टेटमेंट ऑफ वर्क तो आप डॉक्यूमेंट एनालाइज कर सकते हो आप पढ़ सकते हो उस डॉक्यूमेंट को कि कस्टमर को चाहिए क्या तो एटलीस्ट हाई लेवल पर तो आपको पता चलेगा आप क्वेश्चन एयर्स इन सर्वेस कर सकते हो क्वेश्चन एयर्स इन सर्वेस क्या हुए कि um, आपने क्वेश्चन एयर डाला और भेज दिया वन वे और फिर लोगों ने रिस्पॉन्ड किया उस सर्वे पे अगेन आपके पास पहुंच गया वन वे सो क्वेश्चन सर्वे हम कब यूज़ करेंगे जब भी हमें ट्रेंड चाहिए जब हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं कर रहे हैं हम लोग सिंपल थिंग्स वी वांट टू नो क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में क्या है फॉर एग्जांपल अगर मुझे इलेक्ट्रिकल स्कूटर लॉन्च करना है तो आई मे फ्लोट अ सर्वे टू यूज़र ग्रुप और जो भी मेरे यूज़र ग्रुप है लेट्स आंध्र प्रदेश कश्मीर विच एवर प्लेस वहाँ के मैं सेलेक्टेड ऑडियंस को सर्वेस भेजूँगी या मॉल में खड़े होकर सर्वेस भरवाऊँगी एंड देन वी आस्क पीपल कि आपका क्या विचार है आप चेंज करेंगे ट्रेडिशनल स्कूटर से इलेक्ट्रिकल पे कब तक कितने पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड पता चलेंगे कब यूज़ करें हम इसको जब सिंपल ट्रेंड पता करना हो सिंपल क्वेश्चन हो और जब हमें बहुत ज़्यादा लोगों से फील्ड uh, में पता करना हो ये फिज़िकल सर्विस भी हो सकते हैं एज आई टोल्ड यू कि मॉल में जा सकते हैं ये वो और ये डिजिटल सर्विस भी हो सकते हैं आप मेल uh, चिम से या किसी भी और uh, सवय मंकी से भेज सकते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा इंटरव्यूज़ कर सकते हैं व्हाट इज़ इंटरव्यू अंडरस्टैंड इंटरव्यू इज वन ऑन वन इंटरव्यूज़ कब हम यूज़ करते हैं जब हमें वन ऑन वंस करना हो किन के साथ वन ऑन वंस करना चाहिए सीनियर लोग या जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हमें बहुत अच्छे से कुछ इनपुट्स मिल जाएंगे अगर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग यू हैव लेट्स दस हज़ार लोग जो इम्पैक्ट हो रहे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं आप हर एक के साथ इंटरव्यू करोगे क्या नहीं आप इंटरव्यूज़ करोगे कुछ स्पेशल लोगों के साथ सीनियर्स एस उनके साथ बिकॉज इंटरव्यूज़ आर वेरी कॉस्टली आई ऐसे कॉस्टली इसका क्या मतलब हुआ क्योंकि आपका टाइम जाएगा और जो बंदा है उसका टाइम जाएगा तो आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते उसके अलावा आप क्या कर सकते हो अगर आपको एज आई टोल्ड यू कि थीम लेनी है तो आप फिर क्वेश्चन uh, सर्वे कर सकते हो यू कैन चूज़ एंड सेलेक्ट कि आपको कौन सा टूल यूज़ करना है कौन से रिक्वायरमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करनी है और ये रिक्वायरमेंट स्ट्रेटजी हम कब करेंगे हम पहले ही प्लान में कर लेंगे हाउ डू बी गैदर रिक्वायरमेंट प्लान में हम अपनी टीम के साथ डिस्कस करके लिख लेंगे अगर मैगी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो क्या सोच के करना है क्या करेंगे तो मैगी माइट गो आउट टू सर्विस कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए लोगों से बात करेगी हो सकता है वो एक प्रोडक्ट बना ले इंडियन स्टाइल का जैसे देसी मसाला या कुछ और लोगों को टेस्टिंग के लिए बुलाए सो so उसको क्या बोलेंगे वर्कशॉप आप लोगों को बुला सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि आपको कैसा लगा अंडरस्टैंड वर्कशॉप फैसिलिटेटेड वर्कशॉप आर क्रॉस फंक्शनल इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी वर्कशॉप में आ रहे हैं वो लोग आ, अलग अलग डोमेन से आ रहे हैं कोई बच्चा है बच्चे की माँ है एज ग्रुप डिफरेंस है आ, तो हो सकता है माँ ज़्यादा बोले पर आप बच्चे से पूछना चाहते हो तो एक फैसिलिटेटर आप पूरे वर्कशॉप को कंट्रोल करेगा क्या डिस्कशन करना है क्या नहीं करना किस चीज़ को पाक करना है तो जब भी क्रॉस टोमेन या क्रॉस फंक्शनल अलग अलग टाइप के लोग आते हैं आपको एक फैसिलिटेटर चाहिए आपको एजेंडा चाहिए आपको टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है सो दैट यू स्टे ऑन द एजेंडा सो दैट्स फैसिलिटेड वर्कशॉप फोकस ग्रुप वो भी सेम है बट uh, मैंने आपको बताया था पहले भी पीपल फ्रॉम सिमिलर डोमेन सेम डोमेन सिमिलर बैकग्राउंड आप सिर्फ बच्चों को बुला लो और उनको बोलो टेस्ट करके बताओ कैसी लग रही है मैगी तो हमने क्या किया फोकस ग्रुप किया आप उनसे पूछ सकते हो अच्छा ये um, आपको कैसा टेस्ट चाहिए टाटा um, वालों ने टाटा की कार कभी भी बहुत अच्छे से बिकती नहीं थी इंडियन मार्केट में बिफोर इंडिका आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक टू थाउजेंड फोर फाइव इंडिका तब सबसे पहले लॉन्च करी थी टाटा ने एंड इट वॉज द बेस्ट सेलिंग कार इन इंडिया क्यों थी वो बेस्ट सेलिंग कार टाटा ने क्या किया जितने भी मिडल मैनेजर्स थे सबको बुलाया और सबको बुला के एक रूम में दे डेडा ऑफ साइड लोनावला में और सम प्लेस लाइक दैट और उन्होंने सबको बैठाया और पूछा कि आप ये बताओ कि आपके पास कैसी ड्रीम कार होनी चाहिए और उस वक्त मारुति थी जो राइवल थी और अगर आपको याद होगा तो बहुत सारी कारों में इंडिया की तो हमारी कारों में एसी नहीं होता था ऑप्शनल होता था तो टाटा के एम्प्लॉज ने कहा बड़ी कार होनी चाहिए स्पेस होना चाहिए मैं अपनी माँ को लेके जाना चाहूँ फैमिली को लेके जाना चाहूँ सबके लिए स्पेस होना चाहिए ए uh, सी चलना चाहिए ट्रंक uh, में ज़्यादा बड़ी जगह होनी चाहिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उन्होंने दी और इंडिका वॉज लाइव एंड इट बिकेम बेस्ट सेलिंग कार क्योंकि आपने क्या किया आपने रिक्वायरमेंट्स अच्छे से कैप्चर करी फोकस ग्रुप किया विद द राइट सेट ऑफ ऑडियंसेस तो आप फोकस ग्रुप कर सकते हो Um, आप ब्रेन स्टॉपिंग कर सकते हो सो फोकस ग्रुप के साथ ब्रेन स्टॉम भी किया था टाटा uh, ने वॉट इज ब्रेन स्टॉमिंग जनरेटिंग आइडिया किस टाइप के हमें चीज़ें चाहिए क्या होना चाहिए जनरेटिंग आइडिया इज ब्रेन स्टॉमिंग विथ सिमिलर सेट ऑफ पीपल फोकस ग्रुप वी कैन ऑल्सो डू ब्रेन राइटिंग वॉट इज ब्रेन राइटिंग हियर वट इज़ ब्रेन स्टामिंग ब्रेन स्टॉमिंग में हमने कहा आप बताएं क्या होना चाहिए और आप लोगों लोग बोलना शुरू करते हैं हम लिखते जाते हैं एंड देर आर सर्टन रूल्स की ब्रेन स्टॉमिंग ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए आप बीच में टोकोगे नहीं uh, आप सबके आइडियाज़ का आदर करोगे रिस्पेक्ट ऑल द आइडियाज़ वी राइट डाउन ऑल द आइडियाज़ तो दोज़ आर रूल्स ऑफ ब्रेन स्टॉमिंग पर क्या होता है अगर आपके पास लग से बीस लोग हैं आप हर एक से राउंड रॉबिन में हर एक से पूछोगे बहुत टाइम लग जाएगा लोगों को सोचने में भी, भी बहुत टाइम लग जाएगा वो एक रूम में आएंगे आप आइडिया तो आप उनको सब्जेक्ट बताओगे और दस क्वेश्चन पूछेंगे एंड ऑल दैट तो अ बेटर वे वुड बी आप उनको बोल दो कि दिस इज दी यू नो सेट ऑफ डिस्कशन आप इसको लिख लीजिए पहले आप अपने आइडियाज़ को लिख लीजिए राइट दैम डाउन Uh, आप उसी वर्कशॉप में बोल सकते हैं कि अभी लिख लो या आप एक दिन पहले बोल सकते हैं कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लिख के लाओ तो आप लिख के लेके आते हो आप यू राइट द आइडियाज़ सो राइटिंग द आइडियाज़ बिफोर द डिस्कशन इज कॉल्ड ब्रेन राइटिंग तो ब्रेन स्टॉमिंग हम लोग डिस्कस करते हैं वर्बोज ब्रेन राइटिंग हम लोग लिख के लेके आते हैं ऑब्जर्वेशन इज़ अनदर वे जिससे हम रिक्वायरमेंट गैदर um, मतलब um, कर सकते हैं वर्ड इज ऑब्जर्वेशन और कहाँ पे यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशन मतलब देखना वी ऑब्ज़र्व कब यूज़ कर सकते हैं और इसको जॉब शेडो भी बोलते हैं कब यूज़ करते हैं जब uh, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो uh, कैसे पावर जनरेट की जाती है तो कोई मुझे समझा देगा पर मुझे फिर भी समझ में नहीं आएगा बोलने से इट्स बेटर कि मैं जाके देख लो, ओके डिफरेंट प्रोसेसेस क्या है क्या कंट्रोल um, सेंटर है वहाँ पे क्या मॉनिटर हो रहा है कैसे आप कंट्रोल um, कर रहे हो टेम्परेचर को प्रेशर को एंड ऑल दैट सो वी गो एंड ऑब्जर्व किन किन इन्वॉर्मेंट uh, में हम कर सकते हैं जब द प्रोसेस इज़ टू कॉम्प्लेक्स तब हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और

इट्स बेटर कि हम जाके ऑब्ज़र्व कर लें और फिर लिखें कि दिस इज़ वॉट वी डिस्कस्ड। वी कैन ऑल्सो यूज़ ऑब्जर्वेशन वेन दे इज़ अ बायस बायस बोले तो अगर आप किसी लाप बी पी ओ कंपनी में काम करते हो और आपका जो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन है वो ऑन साइट से ऑफ शोर लेके आना है उस प्रोडक्ट को या प्रोसेस को तो यहाँ पर ऑन साइट का एक बनता है अगर आपने ये प्रोसेस को इधर ले लिया तो इन सारे लोगों की जॉब चली जाएगी तो ये लोग आपको बताएंगे वो क्या काम करते हैं क्या नहीं करते दे इज़ अ बायस दे वुड बी अ मेंटल और नेगेटिव बायस तो व्हेन देर आर बायस इज़ लाइक दैट आप सिर्फ जाके ऑब्जर्व करोगे वो क्या क्या काम करते हैं और फिर उन्हें आप लिख लोगे तो यू कैन यूज़ ऑब्जर्वेशन सेट यू नो दीज प्लेसेस बेंच मार्किंग वट इज बेंच मार्किंग कम्पेयरिंग अगेंस्ट अस्टैंडर्ड वाई डू आई नीट टू कम्पेयर अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड मेरा कस्टमर बोलता है आपको मेरे लिए एक बी टू बी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है या बी टू सी वेबसाइट डिज़ाइन बी टू सी इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर और कस्टमर तो मैं कैसी वेबसाइट डिज़ाइन करूँगी मैंने एक अच्छी सी वेबसाइट डिज़ाइन कर दी उसमें प्रोडक्ट्स डाल दिए और चेकआउट डाल दिया मेरे हिसाब से बन गई वेबसाइट कस्टमर आया कस्टमर ने आगे कहा विशलिस्ट का है शॉपिंग कार्ट तो आपने बना दी पर विश कार्ट कहाँ पे है आ, तो मैंने कहा ये तो आपने बोला ही नहीं था तो ये मेरी इम्प्लीसिट रिक्वायरमेंट थी अगर आप एक बना रहे हो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है ये तो एक नॉर्मल शॉपिंग साइट पे होना ही चाहिए तो वेन एवर वी टॉक अबाउट इम्प्लीसिट इम्प्लीसिड रिक्वायरमेंट्स आर द रिक्वायरमेंट विच पीपल डू नॉट स्पीक वो बोलते नहीं है वो एज्यूम कर लेते हैं कि ये होना ही चाहिए तो जब भी हम एज्यूम करते हैं दोस रिक्वायरमेंट बिकम्स इम्प्लीसिड और बहुत प्रोजेक्ट फेल होते हैं बिकॉज पीपल हैव इम्प्लिसिड रिक्वायरमेंट्स तो तब आप क्या करें टू गेट इन टू रिक्वायरमेंट आप बेंच मार्किंग यूज़ कर सकते हैं सो बी टू सी जब भी मेरे पास ऑर्डर आया तो मैंने अमेजोन को देखा उसमें क्या क्या फीचर्स है दी स्टैंडर्ड फीचर शुड बी देयर इन दी बी टू सी एंड देन आई कैन फिर मैं जाके अपने कस्टमर से पूछ सकती हूँ अच्छा आपको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये अमेज़ॉन में आया आपको चाहिए चाहिए नहीं चाहिए तो आपकी रिक्वायरमेंट क्लैरिटी आ गई सिमिलरली uh, आप बेंच मार्किंग किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड एक बार आपने रिक्वायरमेंट्स ले ली आपने आपको कैप्चर करके प्रेजेंट भी करनी पड़ेगी अपनी टीम को कस्टमर को वापस से तो हम कैसे उन्हें कैप्चर करके प्रेजेंट करें वी कैन यूज़ माइंड मैपिंग और वी कैन यूज़ एफिनिटी डायग्राम सो व्हाट इज़ इट अ माइंड मैप लुक्स लाइक दिस Um, this is the main idea with that idea there are other ideas with this idea there are other ideas which comes out so one to many relationship a mind map is a picture okay so we have remember ramaripas idea generation tha to con se idea se idea we can create a mind map and generate new ideas using the mind map so mind map is पिक्टोरियल रिप्रजेंटेशन ऑफ रिलेटेड आइडियाज रिलेशनशिप है ना इनका यहाँ में रिलेटेड आइडियाज इट लुक्स लाइक अ माइंड मैप लुक लाइक दिस एफिनिटी डाइग्राम वट इज़ एफिनिटी डाइग्राम एफिनिटी डाइग्राम इज जब हमने आइडियाज ले लिए हम उनको ग्रुप कर देते हैं ये आइडियाज़ फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया कि बुक कैसी होनी चाहिए तो उन्होंने कुछ कहा कि बुक में जो फॉन्ट होने चाहिए वो रीडेबल होने चाहिए फ्री होने चाहिए पिक्चर्स um, यूज़ करना चाहिए कार्टून यूज़ करो और जो फॉन्ट है वो हैंड फॉन्ट्स यूज़ करो ताकि लोगों को समझ में आए यू you नो know, बच्चों को अच्छा लगे कवर मॉडर्न होना चाहिए बहुत कलरफुल होना चाहिए सॉलिड कलर्स होने चाहिए सो so ये सब आंसर्स um, आए तो फिर हमने क्या किया कि वो जितने भी आइडियाज़ थे उनको कंसोलिडेट कर लिया कैटेगराइज़ कर लिया तो जब भी हम कैटेगराइज करते आइडियाज़ को दैट इज़ कॉल्ड एफिनिटी डायग्राम। एफिनिटीज़ दी आइडिया विच लाइक ईच अदर एफिनिटी मतलब प्यार तो जो आइडियाज़ को आपस में प्यार है वो एक साथ हमने रख दिए तो इसको कैटेगराइज बकेटिंग दैट इज़ दी की वर्ड्स फॉर एफिनिटी डायग्राम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज़ अनदर वे टू शो कि हमारा सिस्टम ब्रॉड लेवल पे कैसे काम करता है तो ये नया सिस्टम है जो बनेगा उसमें कौ, कौन लोग काम करेंगे क्या क्या इनपुट करेंगे क्या आउटकम आएगा ये सिस्टम किसी और सिस्टम से इंटरैक्ट करेगा कि नहीं करेगा आपको डिटेल में नहीं जाना है जस्ट एट अ हाई लेवल कहाँ बैठेगा ये सिस्टम uh, कौन कौन यूज़र्स होंगे क्या इंटरेक्शन्स होगा एंड सो ऑन दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप आप एक मॉडल बना देते हो um, ताकि आपका कस्टमर देख ले उस मॉडल को um, कब बनाते हो शुरुआत में जब रिक्वायरमेंट ले रहे होते हो आप मॉडल बना के पूछते हो आपको यही चाहिए क्या आप वेबसाइट का मॉडल बना सकते हो बिल्डर्स uh, छोटा सा मॉडल बना देते हैं पूरी सोसाइटी का या पूरे कॉम्प्लेक्स का या शॉपिंग मॉल का और विच अवर बिल्डिंग दे आर मेकिंग सो इससे क्या होता है कि विजुअल क्लूज मिल जाते हैं जो कस्टमर हैं दे कैन सी फील और वहीं पे वो आपको डिज़ाइन के बारे में या जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया उसको वापस से अफर्म कर देते हैं ये चाहिए ये नहीं चाहिए सो प्रोटोटाइप इज़ वन ऑफ दी वेरी गुड वेज टू गेट रिक्वायरमेंट्स क्लियरली और एंड बिफोर टाइम आपको लास्ट में लड़ना नहीं पड़ता अपने कस्टमर के साथ कि आपने ये नहीं बोला था आप प्रोटोटाइप यूज़ करो और बहुत बार यूज़ करो इससे बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगी रीवर्क नहीं करना पड़ेगा वन ऑफ द वेरी गुड टूल टू यूज़ सो वन ऑफ द बेस्ट टूल टू यूज़ जब भी कहीं पे एम्बिगिटी हो आप प्रोटोटाइप यूज़ करो स्टोरी बोर्डिंग इज अ विजुअल प्रोडोटाइप एड वाले लोग कि um, यहाँ पे वो बंदा हम जब पिएगा यहाँ भागेगा और यहाँ पर लड़कियाँ उसके पास आ जाएंगी यू नो दोरी बोर्डिंग इज अ विजल प्रोडोटाइप सो लेट सम अप डेटा गैदरिंग एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट जो हम बोल सकते हैं एक्सप्लिसिट मुंह से बोलते हैं हम कैसे ले सकते हैं ब्रेन स्टॉमिंग से गिव मी द की वर्ड फॉर ब्रेन स्टॉमिंग आइडियाज फोकस ग्रुप सिमिलर सेट ऑफ पीपल सिमिलर टाइप ऑफ पीपल इंटरव्यूज वन ऑन वन क्वेश्चनर्स इन सर्विस टू एंड फ्रो कब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल लोकेशंस चाहिए लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस चाहिए ट्रेंड्स चाहिए फैसिलिटेटेड वर्कशॉप क्रॉस डोमेन सेट ऑफ पीपल वी नीड नीडा फैसिलिटेड इम्प्लीसिट रिक्वायरमेंट द रिक्वायरमेंट्स विच आर देयर इन द माइंड जो आप बोल नहीं रहे हो रिक्वायरमेंट को वो कैसे लेते हैं हम लोग बेंच मार्किंग वॉट इज बेंच मार्किंग कंपेयरिंग अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड आप एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके बोलते हो अच्छा आपको ये चाहिए ये नहीं चाहिए ऑब्जर्वेशन आर शेडो रिवर्स शेडो ऑल दो टेक्निक्स कब यूज करेंगे हम ऑब्जर्वेशन जब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या यू नो दू हाउ डू यू रेप्रजेंट अब डॉक्यूमेंट भी करनी पड़ेंगे रिक्वायरमेंट तो हम कॉन्टेक्स डाइग्राम बना सकते हैं प्रोटोटाइप बना के रिक्वायरमेंट फाइनलाइजेशन करा सकते हैं स्टोरी बोर्डिंग बना सकते हैं कि फिर रिक्वायरमेंट फाइनलाइजेशन माइंड मैप यूज़ कर सकते हैं एफिनिटी डायग्राम माइंड मैप इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग रिलेटेड आइडियाज एफिनिटी डायग्राम इज कैटेगरी ऑफ द आइडियाज़ अगर आपके कोई क्वेश्चन हो यू कैन रीच आउट मी आप मुझसे बात कर सकते हैं मेल लिख सकते हैं कविता एड कविता शर्मा डॉट नेट या आप कविता शर्मा डॉट नेट पर जाके इफ यू वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर अ वर्कशॉप आप रजिस्टर कर सकते हैं वर्कशॉप के लिए आई डू सी ए पी एम ए सी पी पी एम पी वर्कशॉप्स एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग सेफ वर्कशॉप एज वेल सो थैंक यू फॉर लिसनि अगेन हैव अ वेरी नाइस डे एंड आई विल टॉक यू सोन